स्वागत है चिल्ड्रन आपका। ये फोर्थ वीडियो है एल्काइल हैलाइड के एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं इस टाइप से आपको एल्काइल हैलाइड से तीन मेथड से समझाऊंगा। एक आपका मैंने आपको इसके फोटोग्राफ बना करके शॉट बना दिए हैं, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। एक मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से, और फिर मैं बोर्ड से बताऊँगा वन शॉट, है ना। तो ये फोर्थ वीडियो है। बाकी के जितने वीडियो हैं उन सारे वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आप उसे पढ़ लें। पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर कहाँ से 34 से करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 34 से हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया है, 34 से हम आगे करेंगे। तो हम 34 क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उसे देखते हैं। 34 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पॉइंट ए सी सी एल बॉन्ड लेंथ इज देन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन है ना सी एस थ्री सी एल वाई। तो मैं आपको समझा दूँ कि जो आपका इस टाइप का बॉन्ड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब बेंजीन बनती है, जैसे आपका बेंजीन है ये, तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये आपका सी एल बना हुआ है। तो इस सी एल के लोन पेयर इस बेंजीन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन और सी एल के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। अब आप ही बताओ कि कार्बन डबल बॉन्ड सी एल का बॉन्ड तोड़ना आसान है कि कार्बन डबल बॉन्ड सी एल सी एस थ्री का सी एल का, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड सी एल का बॉन्ड तोड़ना आसान है। इसलिए ये बोला जाता है कार्बन सिंगल बॉन्ड सी एल जो आपका बेंजीन क्लोरोबेंजीन का होता है वो शॉर्टर होता है। आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है कंपैरिजन टू सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कंपैरिजन टू ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देख रहे हैं आप, ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का भी एक रीजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये बोला गया है कि इन सारे कंपाउंड को आप अरेंज करो कि SN2 रिएक्शन कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दिमाग में एक पॉइंट रखा करो कि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा ये आपकी कंसर्टेड रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी तो होगा क्या, उसके लिए सिंपल टाइप के कंपाउंड जो होंगे ओपन चेन वाले उनकी ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है वो सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म देगा, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड देगा, उसके बाद देगा इथाइल क्लोराइड, उसके बाद देगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इतनी बात समझ में आएगी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखा जा रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो आप इसे देखते ही फटाक से ये लिखोगे कि 3-1 क्लोरो और 3 या 2 मिथाइल, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमें, जैसे मान लो ये आपकी कंडीशन है, ये रही कंडीशन, मैं आपको बता दूं लिख के समझा दूं, CH3 तो ये नंबर वन कार्बन है, ये 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। अब बात समझ में आ गई, मतलब ये हुआ आपको लिखना है 1 क्लोरो 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको मुझे लगता है समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें Br लगा हुआ है, मान लीजिए। अब होता क्या है कि ये जो आपका कंपाउंड है ओपन चेन का, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कंपेरिजन टू टर्शरी या ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक बात हो गई। दूसरी बात, एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, पहली बात। दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ भी नहीं पाता टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। तो एक ये आपके रीजंस हो गए कि एक तो एन ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन होता है और इसके अंदर स्ट्रेट चेन होने की वजह से बंडल बार फोर्स ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो रेसमिक मिक्सचर में
एक पार्ट, एक कार्बन है, तो मान लो डेक्सोरोटेटरी होगा या लेबोरेटरी, है ना, या प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, एक चीज। दूसरी चीज और दूसरा कंपाउंड उसके जस्ट अपोजिट होगा। ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। जब जीरो होती है तो रैसे मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक बात, ये काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वो ये कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एनओ टू एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, है ना, इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स टुवर्ड न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे बेंजीन पर एनओ टू लगा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और उसे तोड़ना आसान हो जाएगा, तो न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाएगी, सीधी बात है। तो एनओ टू स्टेबलाइज द निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, देयरफॉर इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एनलीन टू ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो हमें क्या करना है, एनलीन का डाई एजोटाइजेशन कर दो, बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें SBr और CuBr2 की रिएक्शन करा दो, बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन टू टू क्लोरो एसिटोफिरॉन, सीधी बात है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड या एथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में करा दो, तो बन जाएगा टू क्लोरो एसिटोफिनॉन और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ये एक प्रकार का असाइल रिएक्शन भी है, मतलब जो आपका फ्लोरीन क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो आपका एल्काइल फ्लूड एल्काइल सब्स्टिट्यूशन एल्काइल रिएक्शन भी होती है और असाइल रिएक्शन भी होती है। असाइल और अल्काइल में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36-37 देखते हैं। वो कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 और FeCl3। जब क्लोरोबेंजीन Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो क्लोरीन प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, तो उसके ऑर्थो पर और पैरा पर आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसे हम ऑर्थो क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसे हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं, दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं। ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है तो ज़्यादा मात्रा में बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO3। याद रखना है कि इथाइल क्लोराइड जब AgNO3 की NO2 के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रो इथिन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रो इथिन। अगर इसी इथाइल क्लोराइड को AgNO2 की जगह KNO2 के साथ करेंगे तो C2H5ONO बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 2-bromopentane इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। याद रखना है एल्कोहलिक KOH जब भी रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के साथ तो आपका क्या बनता है? एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे 2-bromopentane है तो बनेगा 2-pentene या पेंट 2-ene। क्या बनेगा? पेंट 2-ene या पेंट 2-pentene। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वाई आर एल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर? वाटर में इनसॉल्युबल एल्काइल हैलाइड क्यों होते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने अभी अभी समझा रहा था, मैं बॉइलिंग पॉइंट के केस में मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही नहीं है, पोलरिटी होती नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ काम बनेगा नहीं, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। तो एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अ वाटर नॉर इट कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। न तो बॉन्ड बनाते हैं न बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम होते हैं। बी पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं 38 का भी। वाई इज ब्यूटेन 1-ol ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हाइल ब्यूट टू ऑल इज ऑप्टिकली, है ना, एक्टिव। सीधी सी बात है, जब ब्यूट टू ऑल है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बन जाएगी कार्बन की वजह से,
ऑप्टिकल एक्टिव है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है, इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी का आप शो करा सकते हो। ठीक है, ये आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन है, फिशर रिप्रेजेंटेशन से आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये समझाया है कि ऑल दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखें तो मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमेरिक। तो हमेशा पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप देता है, क्योंकि ये क्लोरीन पैरा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करा देता है। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लोन पर अंदर चल गया, तो यहाँ पे ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज है, फिर पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे आ गया, और फिर ये आपका। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम 2014 के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से आगे चलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द चायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पार्ट। देखो, चायरल मॉलिक्यूल तो फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट नहीं होगा कंपाउंड, तब तक स्टीरियोजेनिक सेंटर के प्रेजेंस में ही चायरल होगा, कायरल होगा, चायरल को कीरल भी बोल सकते हैं। कैसे, बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन में ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू ब्रोमो पेंटिन, टू ब्रोमो पेंटिन को आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो टू ब्रोमो पेंटिन को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो देखो आसानी से बना लोगे। पांच कार्बन कार्बन आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद फिर आप उसे सेकंड कार्बन पे बीआर लगा दो, तो हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया गया है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। वन ब्रोमो फोर क्लोरो बेंजीन, वन ब्रोमो फोर क्लोरो बेंजीन, मतलब एक काम करो, बेंजीन बनाओ, बेंजीन पे एक क्लोरीन लगा दो, तो उसके ठीक फोर्थ कार्बन पे बीएल लगा दो, बस हो गया। दूसरे कंपाउंड में वन क्लोरो फोर इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बनाओ, है ना, उसके एक कार्बन पे सीएल लगाओ, उसके फोर्थ कार्बन पे C2H5 लगा दो। मतलब हुआ कि क्लोरीन डिसाइड करेगा कि इथाइल कहाँ पर लगना है, और यहाँ पर ब्रोमीन डिसाइड करेगा कि क्लोरीन कहाँ पर लगना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखने के लिए हम थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं। अब हमने पेज को ऊपर कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वो कह रहे हैं कि विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज चायरल एंड अंडरगो फास्टर SN2 रिएक्शन। देखो, पहला वाला कंपाउंड बहुत तेजी से SN2 रिएक्शन देगा, सेकंड वाला कंपाउंड का ये वाला कार्बन कायरल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन विच रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, मतलब जैसे ये छाता होता है ना, छाता को मान लो और रिएक्शन हुई तो वो छाता उल्टा हो जाता है हवा भरने की वजह से। ठीक है, तो वो ये आपका इन्वर्जन हो गया। ठीक, कंपाउंड के अंदर इन्वर्जन हो चुका है। अब बात करते हैं रेसमाइजेशन, ये SN1 रिएक्शन होता है, क्योंकि ये जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो या तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है या नीचे से कर सकता है, अब द प्लेन बिलो द प्लेन, उसके केस में रेसिमिक मिक्सचर ही बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब साइक्लोहेक्सिनॉल है, SOCl2 है, तो Cl लगा दो, OH चढ़ा दो। आपका आपका प्रोपीन वन वन प्रोपीन मतलब 3-फिनाइल-प्रो-1-ईन है, HBr परऑक्साइड डाल दिया, तो पहले नंबर कार्बन पे Br लगा दो, और ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। नेक्स्ट, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है एक्वस KOH के साथ तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, सीधी बात है। फिर है क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद CH3COCl, तो इसमें 2-क्लोरो-एसीटोफिनोन और 4-क्लोरो-एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे
तो देख रहे हैं कि विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वो डू यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रेडिली रैपिडली एसेंट टू मैकेनिज्म। आपको मैं बता दूं सिंपल, जैसे चार कार्बन है, ब्यूट वन ब्रोमो ब्यूटेन, वो आसानी से रिएक्शन करेगा। एसन किसकी बात कर रही, अच्छा एसन टू रिएक्शन, सही है सही है। एसन वन रिएक्शन आसानी से होगी और इसकी रिएक्शन होगी एसन टू, एसन सॉरी पहला वाला कंपाउंड है उसमें एसन टू रिएक्शन तेजी से होगी, और जो ये वाला कंपाउंड है उसमें एसन वन रिएक्शन होगी। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो इसमें एसन वन होगी, इसमें एसन टू होगी, सीधी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेसमाइजेशन अकर एसन वन रिएक्शन वाई, ऐसा इसलिए होता है कि इन एसन वन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोकेटन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, देयरफॉर देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ईदर ऑफ साइड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्सोरोटेटरी एज वेल एज लेबोरेटरी प्रोडक्ट लीडिंग लीडिंग टू रेसमाइजेशन। मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर या तो ऊपर से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, या ब्लो द प्लेन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, कोई बात नहीं, आपका नाइट्रो मीथेन तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, उसमें है 3-iodo-4-tert-butylheptene बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन को आपस में जोड़ दो, थर्ड नंबर पे आयोडीन लगा दो और फोर्थ नंबर पे सी एस थ्री, मतलब एक कार्बन से 3 CH3 लगा दो। इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब बन गया ये कंपाउंड जैसा एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4-bromo-3-methyl-pent-2-ene क्या है, 4-bromo-3-methyl-pent-2-ene ये बनाना है। तो कंपाउंड होगा आपका 1, 2, 3, 4, 4-bromo, तो राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, 4-bromo होगी, 4-bromo क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथा एल्कीन है, थर्ड नंबर पे आपका
मिथाइल है और सेकंड नंबर पे आपका ब्रोमीन है। तो अगर एक ही नंबर कार्बन पे एल्कीन हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, बीआर हो, तो एल्कीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, एल्कीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कंपेरिजन टू ब्रोमीन। तो ये कंपाउंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन दीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। CH2OH की रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो CH2Cl बनेगा। यहाँ पर सेम कंपाउंड है आपका, HBr की रिएक्शन हो रही है तो बाहर हमारे कार्बन पे नहीं, बीच वाले कार्बन पे आपका, अभी समझाते हैं, इस वाले कार्बन पे आपका Br आएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, ये आपका Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बी पोजिशन और देख लेते हैं। वो कह रहे हैं विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन से कौन सा ज़्यादा होगा, जैसे CH3Br है और CH3I है, तो CH3I ज़्यादा रिएक्ट करेगा, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, फिर है SN2 रिएक्शन की बात हो रही है तो CH3Cl और टर्शरी ब्यूटाइक्लोराइड में CH3Cl आसानी से रिएक्ट करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि तीन मेथड से मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूं। फोर्थ मेथड ये है कि ऑफलाइन आप पढ़िए 999 रुपीज़ में। ठीक, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आप ऐसे आ सकते हैं, कैश दे सकते हैं, पर एडवांस बुकिंग होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ये दो टाइप की मेथड बता दूं, एक तो शॉर्ट वीडियोस जो मैंने आपको बनाए नोट्स के, और ये आपके इस टाइप के बोर्ड पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आप मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।